स्वास्थ्य विभाग भले ही कितने दावे पेश कर ले, कितने ही फर्जी अस्पतालों पर ताले ठोक दे, लेकिन डॉक्टरों के वेश में बैठे फर्जी भेड़ियों को रोकना बेहद मुश्किल है। आज अगर आप बाजार में निकलेंगे तो हर दसवीं दुकान एक छोटा या बड़ा अस्पताल बन चुकी है, जहां होता है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का खेल। तो आइए जानते हैं कि जनपद बिजनौर में इस मेडिकल माफिया का क्या सीन चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो और वीडियो को पूरा देखिएगा। जनपद बिजनौर में फर्जी अस्पतालों का तांता लगा है। इन अस्पतालों में नौसिखिए कंपाउंडर सर्जरी तक करते मिल जाते हैं। इनके मेडिकल स्टोर पर फर्जी दवाएं महंगे मूल्य पर बिकती दिख जाएंगी, साथ ही भ्रूण के लिंग परीक्षण जैसे गंभीर अपराध भी होते दिख जाएंगे। यहाँ बाकायदा मरीजों को बहला कर लाने वाले दलालों को उनका हिस्सा दिया जाता है। इन दलालों में गांव के छोला छोप डॉक्टर और बहुत सी आशाएं भी शामिल हैं, जो आपको इन अस्पतालों में सुविधाएं गिनवाते नजर आएंगे और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी व सर्जरी के बाद विभिन्न सुविधाएं भी बताएंगे। प्रतिवर्ष ऐसे कई अस्पतालों पर सरकारी सील लगा दी जाती है, लेकिन यह सील तब लगती है जब यहाँ किसी की गलत इलाज के दौरान मौत हो जाती है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इन माफियाओं का यह कारोबार यूं ही चलता रहता है। और चले भी क्यों ना, इन रसूखदार लोगों के अधिकारियों से संबंध और मोटा हिस्सा जो होता है। जनपद बिजनौर में ऐसे सैकड़ों फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहां मंडावर, नेहटोर, कोतवाली देहात, नगीना, बढ़ापुर, हल्दौर, बिजनौर शहर सहित सभी जगहों पर ऐसे फर्जी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अगली मौत के इंतजार में बैठा है कि फिर से इलाज में लापरवाही से कोई मरेगा और फिर से हम एक सील लगाने जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि सील लगने के कुछ दिनों बाद उन्हीं बिल्डिंगों में फिर से किसी नए नाम से ऐसा ही अस्पताल पुनः चालू कर दिया जाता है। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि ऐसे फर्जी अस्पतालों में जाकर अपनी जान से खिलवाड़ न करने दें, और अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई अस्पताल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए आपका भगवा रिपोर्ट।